दोस्तों आज हम जा रहे हैं किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ की ओर। तो वैसे हमारा प्लान जो है वो तो ये या मचेल का रहने वाला है या तो मिंदल माता जो कि इश्तियारी जो कि क्लिफ हैंगर से पीछे आता है। तो अभी देखते हैं, हम शाम को डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे, कहाँ के लिए मन करेगा। तो फिलहाल हम गुलाबगढ़ पहुँचते हैं, तो अभी निकल रहे हैं हम किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ की ओर। तो अभी हमने यहाँ पीछे पेट्रोल पम्प पर तेल वगैरह अपनी बाइक में जो है वो फुल करा दिया है। आगे पेट्रोल पंप नहीं है तो इसलिए हमने पूरा फुल कर दिया यहाँ पे पेट्रोल। तो अभी हम निकलते हैं किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ की ओर, जिसका किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर के बीच में है। तो अभी हम निकल रहे हैं किश्तवाड़ से गुलाबगढ़। अभी टाइम हो चुका है 5:30 बज चुके हैं अभी। तो अभी 5:30 बजे हम निकल रहे हैं किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ की ओर। तो देखते हैं कितना टाइम हमें गुलाबगढ़ तक लगता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि रोड भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो चलिए दिखाएंगे हम आपको एक एडवेंचरस ट्रिप जो कि रहने वाला है किश्तवाड़ से। ये जो डूल पक्का डूल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के लिए जो ये रास्ता जाता है, और अभी गलहार यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो गुलाबगढ़ है वो 49 किलोमीटर की दूरी पे, और संसारी जो है जो कि हिमाचल में आता है वो लगभग 82 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो चलते हैं अभी हम आप देख सकते हैं अद्भुत सा नज़ारा। तो आप चट्टान देख सकते हैं कितनी ही पास में है, और ये नीचे दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि कितनी ही गहरी खाई है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। तो आप चट्टान देख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे पीछे पता नहीं कहाँ से बहता हुआ पानी आ रहा है। तो ये चट्टानें आप देख सकते हैं कितनी ऊँची है, और बिल्कुल पास में, तो काफ़ी अद्भुत नज़ारा है यहाँ। पहुँच चुके हैं हम कथाई। तो आप यहाँ का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत गांव है यहाँ पे। यहाँ पे इस साइड में देखा जाए तो थोड़ा सा इस साइड दिखाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धान की खेती है। तो दूसरी ओर यहाँ पे दिखाया जाए तो बिल्कुल इस साइड में, तो यहाँ देख सकते हैं मक्की की खेती है, और यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी करी गई है। मैं भाई ने यहाँ पे रुका और कहा कि लंगर करके देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट करा हुआ है, लंगर की भी पूरी जो है व्यवस्था करी हुई है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा लंगर का सेटअप है वो कहाँ पे है। तो इस साइड दिखाना चाहेंगे आपको कि लंगर का सेटअप जो है वो कहाँ पे है। तो चलिए अभी चलते हैं हम लंगर का। तो ये कथाई में जो है लंगर का सेटअप है, व्यवस्था है, जो लंगर की व्यवस्था करी गई है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं लंगर की ओर, तो ये आपको पूरा दिखाएंगे हम लंगर का सेटअप। तो यहाँ पे जो खाने जो
में भोजन रखा गया है, तो ये इस साइड में आप देख सकते हैं, इस साइड में जो बैठने के लिए है वो इस साइड में जगह रखी गई है, चेयर वगैरह है यहाँ पे, और आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो करथाई विलेज जो आता है वो तकरीबन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे आता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे माता का भवन भी अच्छे से सजाया हुआ है। जय माता दी। देख सकते हैं हमने दाल और चटनी ले ली है, तो चटनी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, दाल भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो भाई साहब ये है राहुल भाई, तो ये आज के मनीष ट्रिप में मेरे साथ में है। तो कैसा बना है यहाँ का लंगर जो खाना है, तो कैसा बना है लंगर का खाना? ना भाई साहब हमेशा बहुत ही स्वादिष्ट ही होता है। तो अभी हम बिल्कुल 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 Amen।